सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, कामयाब टेलर कैसे बने, इस सीरीज में पिछले एपिसोड में मैंने आपको पॉइंट नंबर 3 बताया था। आज इस एपिसोड में मैं आपको पॉइंट नंबर 4 बताऊंगा। वो पॉइंट नंबर 4 क्या है कि सतर्क रहिए, सावधान रहिए। अब सावधान किससे रहिए? सावधान ऐसे ग्राहकों से रहिए जो कपड़े सिलवाने तो आते हैं लेकिन कपड़े के पैसे लेके जाते हैं। ऐसे लोगों से आपको सतर्क रहना है। इस पॉइंट को मैं कपड़े की दुकान से शुरू करता हूँ। कपड़े की दुकान पे ग्राहक जाता है और कपड़े का दुकानदार ये कहता है कि थान से कटने के बाद कपड़ा वापस नहीं होगा। ये कंडीशन वो पहले ही लगा देता है, कपड़ा बेचने से पहले, दिखाने से भी पहले। और उसके बाद वो अपने तजर्बे से उस ग्राहक को ऐसा कपड़ा दे देता है, ऐसा कपड़ा चिपका देता है जो उसकी दुकान में नहीं बिक रहा होगा। अब ग्राहक कपड़ा घर ले आता है, घर का कोई सदस्य या यार दोस्त को ये कह देता है भाई ये तो कपड़ा जो है तुझे अच्छा ही नहीं लगेगा, ये तो बेकार है। अब वो इस संशय में पड़ जाता है कि इस कपड़े का मैं करूं क्या। तो उसको सबसे आसान शिकार नजर आता है टेलर। वो ये सोचता है कि टेलर के पास इसको सिलाई के लिए ले चलते हैं और नुक्स निकाल के इस कपड़े के पैसे टेलर से ले लेंगे। ये सोच होती है उसकी। अब वो आपके पास आता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप ऐसे लोगों की पहचान कैसे करेंगे। 2-3 बातें मैं आपको बताऊंगा, दूसरी ही बात में आपको पता लग जाएगा कि ये आदमी कपड़े सिलवाने आया है या अपने कपड़े के बदले पैसे लेने आया है। वो आपकी दुकान पर पहली बार आता है लेकिन ये जताने की कोशिश करेगा कि मैं पहले भी सिलवा चुका हूँ यहाँ कपड़े और मेरे कपड़ों में ये कमी थी। वो बताएगा आपको और आपसे प्यार से बात करेगा, आपको पटाने की कोशिश करेगा, और लेकिन साथ में ये भी कहेगा कि मैं पहले भी सिलवा के गया हूँ, मेरे कपड़ों में ये कमी थी, और मास्टर जी अब की बार आप मेरे कपड़े बहुत अच्छे बनाने हैं, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, अगर अब की बार कोई कमी रहेगी तो मैं कपड़े के पैसे ले लूँगा। ये इस बात को वो 2-3 बार दोहराएगा। आपको यही समझना है कि ये ग्राहक कपड़े सिलवाने नहीं आया बल्कि अपने नापसंद कपड़े के बदले में पैसे लेने आया है। आप उसको वही मना कर दीजिए कि सर हम आपके कपड़े नहीं सिल सकते, हमारे पास देने के लिए पैसे नहीं हैं, आप जहां मर्जी सिलवाइए, आप वहां से पैसे ले लीजिए, हम नहीं दे सकते आपको पैसा। अगर आप इस बात में भी धोखा खा जाएं और आपको ध्यान ना रहे कि भैया ऐसी बातें कर रहा है, आप समय पर सावधान ना हो पाएं किसी कारण से, नाप लेने के कारण से या उसकी बातों से, या वो इससे भी मीठी मीठी बातें करें और आपको उलझा ले बातों बातों में, और आप इस बात को ना समझ पाए कि भाई ये कैसी बातें कर रहा है, ये तो ग्राहक ठीक नहीं लग रहा है। तो तीसरी बात सुनिए आप, जब आप नाप लेंगे तो वो मोहरी को, पैंट की लंबाई को, पैंट की मोहरी को, थाई को ये कहेगा इतनी रखनी है, इससे कम ज़्यादा हुई तो मैं कपड़े नहीं लेके जाऊँगा। शर्ट में बाजू की लंबाई को या शर्ट की लंबाई को या तीरे को या गले को अपनी मर्जी से रखवाएगा और ये भी कहेगा कि इससे कम ज़्यादा हुआ तो मैं अल्ट्रेशन नहीं कराऊँगा, मैं कपड़े के पैसे ले लूँगा। आपको वही समझना है, या तो दूसरी बात में ही आपको समझ जाना चाहिए कि ये कपड़े के पैसे मांग रहा है तो ये ग्राहक ठीक नहीं है। फिर भी आप दूसरी बात को भी चूक जाते हैं तो तीसरी बात मेजरमेंट में वो अपनी जिद करेगा, ये रखना है, इतना नहीं हुआ तो मैं पैसे वापस ले लूँगा। तो आपको यहाँ 100% समझना है कि ये ग्राहक ठीक नहीं है। ये सावधानियाँ आपने अपनी दुकान में बरतनी है। ये सावधानियाँ आप बरतेंगे तो कभी भी आप धोखा नहीं खाएंगे और आपकी कमाई आपके पास रहेगी। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया हो।